साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको माचिस की जो तीली है इससे आपको धन संबंधित, कर्ज संबंधित या कोई भी परेशानी लाइफ में चल रही है, बहुत सारे ऑप्टिकल्स चल रहे हैं, ये सारी परेशानियों को दूर करने का एक बहुत खास रेमेडी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अचानक से परिस्थिति को बिगड़ना, अचानक से दुर्घटनाएं होना, अचानक से यदि कोई भी परिस्थिति आपकी खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं ये लक्षण जो होते हैं ये राहु के होते हैं। राहु से पीड़ित यदि कोई भी जातक कितने भी बड़े दान कर ले, बड़े बड़े स्टोन पहन ले, बड़े बड़े दान कर दे, ठीक है, बड़े बड़े जाप करवा ले, 18-18 हजार की संख्या में जाप करा ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु ग्रह की पीड़ा समाप्त पूरी तरीके से नहीं होती है। लेकिन राहु से संबंधित कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी यदि रेमेडीज कर ली जाए तो बड़े बड़े दान, बड़े बड़े जाप भी जो असर नहीं दिखाते हैं ना, वो एक छोटी छोटी सी रेमेडी असर दिखा देती है। तो दोस्तों ये प्रयोग आपको माचिस की तीलियों से करना है। राहु का वास होता है अक्सर वहां पर जहां पर जुआ सट्टा ये खेले जाते हैं या जहां पर शराब वगैरह के स्थान होते हैं। और इसके अलावा राहु का सबसे मेन स्थान है वो होता है बारूद में, है ना। तो माचिस की तीली के आपने देखा होगा कि माचिस की तीली है उसके ऊपर बारूद लगा होता है। तो ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये प्रयोग आप कर लेते हैं, राहु जो है सबसे ज्यादा जिससे भयभीत होते हैं वो है एक महादेव और दूसरे हैं हमारे विष्णु भगवान श्रीहरि नारायण। तो श्रीहरि भगवान नारायण का जो चक्र है सुदर्शन चक्र, है ना, इसका भी एक मैं आपको छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं। श्रीहरि भगवान का, नारायण का जो चक्र होता है, आप लोहे किसी भी शुक्रवार के दिन में आप एक लोहे का छोटा सा जो पर्स में जाए इतना छोटा सा एक सुदर्शन चक्र ये आप बनवा लीजिए, ठीक है। अगर ये मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं अभिमंत्रित सुदर्शन चक्र तो आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पूर्ण रूप से अभिमंत्रित करके दिया जाता है। तो अगर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से अपनी चक्र का आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं, जिसे ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। और यदि ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि लोहे का चक्र बनवा लें छोटा सा, ठीक है, उसको शुक्रवार के दिन में गौमूत्र में डाल दें, ठीक है, और दूसरे दिन निकाल करके इसको शुद्ध करके कच्चे दूध से और अपने पर्स में रख लें परमानेंटली। ये भी काफी अच्छा असर दिखाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा जिससे भयभीत होते हैं वह है हमारे महादेव। महादेव का वास कहा गया है बरगद वृक्ष में। तो आज का जो उपाय आपको बता रहा हूं ये माचिस की तीली से अगर उपाय करते हैं तो आपकी कर्ज संबंधित, धन संबंधित या जो भी परेशानी चल रही, बीमारी, शत्रु, यानी कि अनएक्सपेक्टेड परेशानी आना, दुर्घटनाएं होना, ये राहु की वजह से होता है। तो ये सारे आपके जितने भी ऑप्टिकल्स हैं स्टॉप हो जाएंगे आपकी लाइफ में, है ना। देखिए सुदर्शन चक्र का मेन कारण ये है कि सुदर्शन चक्र से भगवान ने इनका गला काटा था, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र से सबसे ज्यादा भय होता है इनको। जिसके पास में सुदर्शन चक्र होता है उस पे कभी भी राहु अपनी पीड़ा नहीं दिखाते हैं, और इसको अभिमंत्रित करके यदि अपने पास रख लिया जाए तो ये और भी अच्छा असर दिखाता है। फिर तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, जो भी परेशानियां हैं सारी आपकी दूर हो जाएंगी, है ना। तो आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ खास समय की कुछ खास रेमेडीज होती हैं, एंजल्स नंबर्स होते हैं, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा के उपाय, ऐसे वीडियोस मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। ऐसी कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी मैं यहाँ से प्रसारित करूं तो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो जो लोग मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने एक बार बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें, क्योंकि कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो जिसके कारण आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, घर में ग्रह कलेश है, वास्तु अनबैलेंस है, वास्तु चेक कराना चाहते हैं, तो कुछ खास मंत्रास टेक्निक द्वारा आपके घर के वास्तु को चेक करके वास्तु बैलेंस किया जाता है, और बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है
बच्चों के कैरियर में दिक्कत है, शादी विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या घर में कुछ तंत्र मंत्र किया कराए टोटका, ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सटीक समाधान मुझसे यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जिसका बर्थ चार्ट नहीं है तो उनको भी प्रॉब्लम होती होगी तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके नाम पर माता पिता के नाम पर आप एनर्जी बेस पर आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रयोग को आप बुधवार के दिन में, और यदि देखिए बुधवार शनिवार रविवार इन तीन दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, इसके अलावा 5 नवंबर को रवि पुष्य नक्षत्र है, इस दिन तो इस प्रयोग को आप जरूर करें क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र में जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही गजब का रिजल्ट आता है। इसके अलावा होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्रि, इन खास त्योहारों में भी पावन पर्व होते हैं, इनमें भी एक बार इस प्रयोग को दोहरा दें, और 5 नवंबर को जो रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो उसमें तो इस प्रयोग को आप जरूर करें। मैं जान के आप लोगों को याद दिलाने के लिए फिर से बना दूंगा ये वीडियो जब 5 नवंबर के पहले, ठीक है, आप लोगों को रिमाइंड करा दूंगा ये चीज। आपको क्या करना है, 4 या 44 आपको माचिस की तीलियां लेनी है, 4 लेंगे या 44 लेंगे यानी कि 4 या 44 बुधवार के दिन में इस प्रयोग को कर लें, शनिवार के दिन में कर लें या रविवार के दिन में कर लें। एक नीले धागे से इन सभी तीलियों को आपको बांध देना है और बांधने के बाद में आपको 44 टाइम्स और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 444 टाइम्स एक मंत्र का जाप करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः, या तो 44 टाइम्स या 444 टाइम्स सीधे हाथ में लेकर के इस माचिस की तीली को आपको अभिमंत्रित करना है, ठीक है। दिन में कभी भी कर सकते हैं लेकिन ये याद रहे कि छत के नीचे खुले आसमान में इस प्रयोग को आपको नहीं करना है। अब इन तीलियों को लेकर के आपको बरगद वृक्ष के पास में उस टाइम पे जाना है जब गौधूली बेला होगी यानी कि सूर्य पूर्ण रूप से अस्त हो चुका हो लेकिन पूर्ण रूप से रात्रि ना हुई हो, यानी कि दिन का अंत हो रहा हो और रात्रि की शुरुआत हो रही हो, इस टाइम पे आपको जाना है बरगद वृक्ष के पास में, ठीक है। बरगद वृक्ष के पास में जाने के बाद में वहां पर आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान करना है, शिव शक्ति का ध्यान करना है। बरगद वृक्ष के नीचे वहां पर थोड़ा सा खड्डा खोदें, ठीक है, और माचिस की जो तीलियां आपने नीले धागे से बांधी हुई थी इसको आपको वहां पर आपको गड़ा देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। अब एक तीली एक्स्ट्रा आपको लेकर के जानी है, ठीक है, उसमें आपको नीला धागा बांध देना है और इस माचिस की तीली को आपको जलाना है। जलाने के बाद में इस तीली को आप थोड़ा हाथ में पकड़ें और आपकी जो भी परेशानियां हैं, ठीक है, एक बार मंत्र बोल दें ओम नमः शिवाय और दूसरा मंत्र बोल दें ओम अंजना सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्, ये बोल करके तीली आपको जहां पे तीलियां गाड़ी थी वहां पर इस तीली को आपको छोड़ देना है और हाथ जोड़ करके महादेव से, हनुमान जी से, राहु देव से आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी परेशानियां आपकी हैं, धन संबंधित, कर्ज संबंधित, बीमारी संबंधित या जो भी एटूजेट परेशानी है, सारी परेशानियों का अंत करें। ये करने के बाद में आपको सीधे घर वापस आ जाना है, पीछे पलट करके आपको नहीं देखना है। घर आने के बाद में थोड़ा हाथ पैर वगैरह धो लें, घर में एंटर कर जाएं, फिर जो भी आपके काम है अपने काम, खाना पीना जो खा सकते हैं खा लीजिए, उसके बाद में जो काम करना है कर लीजिए। ये आप एक ही बार भी कर लेंगे तो काफी अच्छा है, लेकिन एक बार में यदि आपको लगे कि थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो 2 या 3 बार भी आप कर सकते हैं, बुधवार शनिवार रविवार 3 बार इस प्रयोग को आप कर लीजिए। आप देखेंगे जो अनएक्सपेक्टेड पैसा जो जा रहा था, अनएक्सपेक्टेड पैसा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि राहु आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। राहु का सबसे ज्यादा वास होता है बारूद में और आप बारूद का ये प्रयोग करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि आपके ऊपर राहु कितने भी बुरे, अगर आपको दशा चल रही थी कितनी भी बुरी अंतरदशा थी, सब समाप्त हो जाएगी, राहु आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। बहुत ही कारगर प्रयोग है दोस्तों, बस ध्यान देना है कि 4 या 44 एक भी तीली ना ज्यादा हो ना कम हो, 4 लेनी है मतलब 4, 44 लेनी है मतलब 44 और मंत्र का जब जाप करेंगे तब मंत्र को जाप करते हुए विशेष रूप से ध्यान देना है कि 44 मतलब 44 ना 43 हो ना 45 हो, और 444 टाइम्स कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान देना है संख्या में क्योंकि राहु का जो अंक है वो 4 का ही है, तो 4 का ही आपको एक वो बनाना है, बैलेंस बनाना है बहुत अच्छे से, कोई दाना गेहूं के दाने चावल के दाने रख के और एक एक दाना उठा के एक एक बार मंत्र जाप कर ले, मतलब जाप आपको पूरे तरीके से करना है, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाद में आप बोलेंगे सर आपने कैसे रेमेडी दी कि हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो पूरी सावधानी के साथ में इस प्रयोग को करना है। वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद में रेमेडी को आपको स्टार्ट करना है,
ठीक है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। उसके बाद में वैसे तो मैंने पूरा आपको अच्छे से तरीके से सब कुछ समझा दिया है, लेकिन जानकारी को फिर भी दोबारा तिबारा अच्छे से समझ के फिर ऐसा रेमेडी को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखिएगा, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूं। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए, घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका आपको मिल रहा है, आप क्या पता आपकी एक जानकारी से कितने लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, और जब आप लोगों की दी हुई जानकारी से लोग इस रेमेडी को करेंगे तो बिना कुछ किए ही आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह इस जानकारी को शेयर करिए, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, आप लोग आगे इस जानकारी को शेयर करिए ताकि और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट ले सके। घर बैठे एक अच्छा काम करने का बहुत अच्छा आपको एक मौका मिल रहा है, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।